गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिनो गोविंद दियो मिलाए। जी हाँ, छुड़ानी गांव के एक शिक्षक ने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त कर न केवल अपने परिवार, अपने विद्यार्थियों अपितु अपने गांव और पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। और आज इस समारोह को बेशकीमती बनाने में मुख्य भूमिका रही छुड़ानी के सरपंच सत्यवान की। जी हाँ, तमाम खापों की सरदारियों को यहाँ मंच पर बुलाया गया, जिले के आला शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यहाँ मंच पर बुलाया गया और समाज की प्रमुख विभूतियों को यहाँ छुड़ानी गांव में आमंत्रित कर मनोज कुमार लाकड़ा जी का भव्य ऐतिहासिक सम्मान समारोह का आयोजन किया है छुड़ानी के सरपंच सत्यवान ने। संक्षेप में जानना चाहेंगे सत्य भाई, क्या कहना चाहेंगे, आज बहुत बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है छुड़ानी गांव के पास। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे गांव का जो नाम रोशन हमारे दादा ने किया था, वही हमारे गुरु जी ने भी गाँव का दोहराया है नाम रोशन करने में। 1961 में भारत का प्रतिनिधित्व जापान में वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे दादाजी ने किया था, टोक्यो में कुश्ती में, मनोज जी के दादाजी ने, मनोज जी के पिताजी ने। और तब से ही हमारे गांव में दंगल चालू हो गए थे, कुश्तियां बहुत लंबे टाइम तक चलती आई। एक कुछ कारणवश हमारे गांव में कुश्तियां बंद हो गई थी, तो जब से मैं सरपंच बना दोबारा फिर कुश्तियाँ चालू दादाजी की प्रेरणा से हमने दोबारा चालू करवाई और वे इतना रहे उन्हीं के हाथों से शुभारम्भ होता रहा। तो ऐसे कहते हैं ना कि वो डबल कर दिया जी खुशी को, दोबारा दोहरा दिया, हाँ दोगुनी कर दी, चार चांद लगा दिए। और ये प्रोग्राम हमारा 22 तारीख को था, एमपी साहब को आना था, गांव में एक मौत हो गई थी इसलिए हमने प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया था। अब बड़ौदा चुनाव कारण एमपी साहब नहीं आ पाए, इसलिए हमने इसको फिर सामाजिक रूप दे कर खाप प्रधान बुलाकर अपना प्रोग्राम ये किया जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत वेरी नाइस प्रोग्राम जो है। मनोज लाकड़ा जी जो हमारे गांव के एक ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए ऐसा काम करके दिया, एक शिक्षा विभाग में एक ऐसी ऐप बनाई जो आंगनवाड़ी उसमें या मिड डे मील के अंदर काम आती है, जिससे हर एक टीचर को बहुत बेनिफिट होगा। उस ऐप को देखेंगे कितने विद्यार्थी हैं, कितने स्कूलों में टीचर हैं, उससे एकदम से बनाने में बहुत सहायता मिलेगी। और मैं समझता हूँ इससे विद्यार्थियों को बहुत अच्छा परिपक्व भोजन मिलेगा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और सभी को उसका लाभ मिलेगा, गरीब बच्चे को भी उसका लाभ मिलेगा। ऐसा मैं हमारे भाई मनोज के द्वारा ऐसा हुआ, मैं इसका सारे श्रेय इनको देता हूँ, इनके परिवार को देता हूँ। ये परिवार हमारा सबसे बहुत अच्छा परिवार हमारे गाँव का रहा है। दादा देवकराम जी थे, वो एक बहुत ऊँचे कुश्ती के बड़े पहलवान थे और ऐसे उनका परिवार चलता रहा है। तो ये ज़्यादा न कहते हुए मनोज लाकड़ा को, इसके परिवार को शुभकामनाएं देते हैं, एक अपील भी करते हैं कि आप अपने इस मिशन को और आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा सारा राष्ट्र आपको याद करे, आपका नाम रोशन हो, ऐसी शुभकामनाएं मैं मनोज लाकड़ा को देता हूँ। थैंक यू जी। हाँ, और ऐसी विलक्षण प्रतिभा, एक विशिष्ट व्यक्तित्व को जन्म देने वाली उनकी माता जी भी हमारे साथ हैं। जी हाँ, जननी जो है, जो जन्म देती है, वो ऐसी प्रतिभाओं को जन्म देती है और इनके लिए एक बड़ी खुशी है। जी हाँ, पहले पति और अब पुत्र जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, धन्य है। माता जी नमस्कार। नमस्ते बेटा, आज बहुत खुश हो गए आप? हाँ। कोई बात नहीं, आज पूरे देश में आपके बेटे का नाम लिया जा रहा है। तमाम जो गुरुजन है, जो सम्मान के पात्र हैं, उनमें श्रेष्ठ इनको शिक्षक होने का जो पुरस्कार मिला है, कितने खुश हैं आप? मैं तो बहुत खुश हूँ बेटा जी। शबद गांव का धन्यवाद करया, बड़ा नाम करया, अपनी मेहनत करी भाई, हमने तो मेहनत करके पढ़ा दिया, जैसा खेत क्यार करया था बताई, और भाई अपने बताओ अपने बालकान पढ़ाओ लिखाओ, बहुत बढ़िया, जिसे अनपढ़ थी वैसा रख दी। जी हाँ, भारत देश की वो माताएं जो ऐसी विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म देती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना केवल अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करते हैं, हरियाणा प्रदेश अब तक किसान और जवान के मामले में प्रसिद्ध था और आज शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा से मनोज कुमार लाकड़ा ने एक ऐसी लो जगाई है कि हरियाणा के तमाम शिक्षक इन पर गर्व और गौरवान्वित महसूस होंगे और इनके नक्शे कदम पर चल करके मनोज कुमार लाकड़ा की तरह अपने प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित होंगे। संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे जी? इस सफल आयोजन का सारा श्रेय ग्राम पंचायत और सत्यवान सरपंच जी को जाता है, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से और व्यवस्थित ढंग से जो है आयोजन किया, खापों के प्रधान बुलाए, सारा शिक्षा जगत के हमारे अधिकारी आए, सब का सम्मान किया और उन्होंने भी जो है अपने अपने विचार रखे, बहुत ही बढ़िया, सारा परिवार खुश है। मैं इनका बड़ा भाई हूँ मनोज का, मैं प्रिंसिपल हूँ, बहुत बढ़िया, इनकी उपलब्धि जो है
वास्तव में परिवार के लिए गौरव की बात है, गुआंड के लिए, हरियाणा के लिए गौरव की बात। बहुत बढ़िया विजय जी, संक्षेप में आप भी दिल्ली में संस्था से जुड़े रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे मनोज जी के लिए दो शब्द? मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी ने इनके बारे में बताया कि ये शिक्षक हैं, रेसलर रहे, ये एक बेहतरीन समाज सेवक है। अपनी अखिल भारतीय महिला रक्षा मंच के ये एक पदाधिकारी हैं और पिछले जब से संस्था बनी तब से ये समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और देखिए इनकी प्रतिभाओं का हमें भी पता चल रहा है, धीरे धीरे इनकी जो प्रतिभा है, जो उपलब्धियां हैं, वो हमारे तक पहुंच रही हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या कहोगे आज मनोज जी? मैं तो ये कहना चाहूंगा जी, हमारी चाची खड़ी है, इन्होंने दो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड अपनी जिंदगी में देखे, एक तो हमारे चाचा ने अवार्ड लिया, दूसरा इनके पुत्र ने लिया, और हम तो ये भी आशा करते हैं आगे इनकी एक पीढ़ी और करे ताकि इतिहास बने रहे, जो पूरे गांव में अवार्ड लेने वाले यही परिवार है। धन्यवाद। हर सफल पुरुष के पीछे नारी का हाथ होता है। जी हाँ, उसकी सफलता और असफलता को परिवार के तमाम सदस्य और विशेष तौर से अर्धांगिनी तय करती है, और मनोज कुमार लाकड़ा जी जो एक विशिष्ट उपलब्धि को प्राप्त किए हैं, निश्चित तौर से उनकी अर्धांगिनी का भी इसमें विशेष सहयोग रहा होगा। आइए उनसे भी आपका परिचय करा ही देते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, बड़ी खुशी हो रही होगी आज आपको जो मनोज जी को ये इनाम मिल रहा है, जो अखबारों में टीवी में फोटो आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत खुशी है। हमें तो बहुत दिन आज नहीं है, बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं जी, ये सबसे बड़ा है। अच्छा, जब ये अपने कामों में लगे रहते हैं और परिवार की तरफ कम ध्यान दे पाते तो आपको गुस्सा भी आया कभी? बहुत आता है। तो क्या किया आपने, क्या किया? क्या करूं, गुस्सा तो गुस्सा ही है। लेकिन आज तो खुशी हो रही होगी ना कि इनको देश में सबसे बड़ा इनाम मिला है शिक्षक का? आज खुशी क्या, 5 तारीख को ही हो गई थी मेरे को। जी, तो कैसा लगा आपको पहली बार जब आपने ये सुना कि आपके पति को राष्ट्रीय सत्र पर इनाम मिल रहा है, तो कैसे आपने जाहिर किया, कैसा सोचा आपने? मैंने तो बहुत अच्छा सोचा, बहुत दिनों से सोच रखा, आज ही नहीं। अच्छा, तो आपको विश्वास था कि इनको इनाम मिलेगा? हाँ, विश्वास, हम तो कई साल से कोशिश कर रहे हैं जी, कई साल, 4-5 साल से अब मिला है जाके। वेरी गुड। मनोज कुमार लाकड़ा जी की खुशियों में शामिल है सारा परिवार। जी हाँ, तमाम जो रिश्तेदार हैं, जो परिवार हैं, उनके लिए भी यह एक विशिष्ट उपलब्धि बन गया है मनोज कुमार लाकड़ा का सम्मानित होना। और इनके भांजे हैं रितेश जी, जो योगा प्रशिक्षक हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के विषय में? जी, आज के कार्यक्रम में मैं कहना चाहूँगा कि मेरे मामा जी मनोज कुमार लाकड़ा जी को ये नेशनल अवार्ड मिला है, इससे हमारे पूरा ही परिवार बहुत खुश है, और मैं ये चाहूँगा कि आगे हम भी इन जैसे मामा जी की उपलब्धि हैं, हम चाहेंगे कि हम भी बार बार इनकी प्रेरणाओं से हम भी आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करें।